टू मैन द व्लॉग दिस शुभ जियर्स गाइस आई एम हियर एट द कंचन बजाज इन उल्लासनगर। आज हम करने वाले हैं नई पल्सर 150 का रिव्यू। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बता रहा हूँ, दो पल्सर 150 है के पास, एक है डबल डिस्क वाली और एक है सिंगल डिस्क वाली। तो अभी आप लोगों को मैं डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। सिंगल डिस्क वाली है एंड इसमें फोक्स बहुत पतला है, जो पार्ट है बहुत पतला है और इसका फ्रंट गार्ड भी अलग ही है, मडगार्ड अलग है। एंड इसका जो सीट है ये पूरा सिंगल सीट है ना, ग्रैबल से पूरा जॉइंटेड ग्रैबल से ना। कुछ दूसरा ट्विन डिस्क का भी बता देता हूँ मैं, इंजन एंड जो गार्ड है तो गार्ड भी चेंज है ट्विन डिस्क वाले में। एंड देर आर थ्री चेंजेस इन दी ट्विन डिस्क और सिंगल डिस्क में, तीन डिफरेंस है। तो अभी आप लोगों को मैं ट्विन डिस्क का बता देता हूँ। मैं डबल डिस्क वाली वेरियंट है, एज यू कैन सी इसका सीट है पूरा अलग ही, स्प्लिट सीट दिया हुआ है और इसमें डबल ग्रैबरल्स है। लेग साइड और जो इसका लेग गार्ड है वो भी चेंज है, उसमें राउंडेड था इसमें से स्ट्रेट है। और इसका जो फोक्स कैन सी, इसका फोक्स थोड़ा मोटा है एंड जो ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का थोड़ा ब्रॉड है ये। सो देर आर थ्री चेंजेस इन दिस, दोनों में कंपेरिजन में सिर्फ तीन चेंजेस है डबल डिस्क और सिंगल डिस्क वाले में। तो चलिए अभी ये गाड़ी को हम चला के देखते हैं गाड़ी कैसे। गाड़ी अभी दुदू पी रही है, लेके आने लगे 150 ट्विन डिस्क वेरिएंट, डबल डिस्क वाली वेरिएंट है ये। तो द सीटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, सीट एकदम कंफर्टेबल है, भले इसमें स्पोर्टी सीट दिया गया है एकदम, बाकी सब सही है एंड स्विचेस का क्वालिटी भी एकदम अच्छा है। स्पीडोमीटर जो कि भी है ब्लू कलर में, एग्जॉस्ट साउंड भी एकदम सही है बिकॉज इट्स अ न्यू बाइक। इसका हॉर्न भी एकदम सही है यार, सुजुकी कुछ सीखो। सो इट्स अ फुल क्लच, द फुटपैग्स आर अराउंड हाई सेट, फुटपैग्स थोड़ा हाई है इसका। एंड पिकअप भी सही है, जिक्सर के मुकाबले ही है। पिकअप इज नाइस, पिकअप इज नाइस। सो गाइस इसमें दिया गया है 150 cc का इंजन जो 16 BHP का पावर टर्न आउट करता है। ये गाड़ी है कंफर्टेबल एकदम एंड ब्रेक्स आर नाइस, ब्रेक्स इज ऑल्सो गुड। पीछे का ब्रेक चेक कर लेता हूँ। सो न्यू बाइक तो थोड़ा ब्रेक को ट्यून अप करने की ज़रूरत है, पीछे का ब्रेक को ज़्यादा लग नहीं रहा है, बाकी पिकअप इज नाइस। जो BS4 मॉडल से इसका स्विच नहीं है इधर, अभी टर्न मार लेते हैं यहाँ से। इसका सस्पेंशन भी एकदम सही है, बाकी गाड़ी तो मुझे सही लगी चलाने के लिए। द इंजन इज स्मूथ, पहले जैसा वाइब्रेशंस नहीं आता है गाड़ी में। एंड नाउ चलो सो गाइज, देर आर नो वाइब्रेशन एट ऑल, पहले जैसा पल्सर जैसा नहीं है ये। एंड जो इसका ब्रेक है, पीछे का ब्रेक को थोड़ा ज़रूरत, थोड़ा बाइक की ज़रूरत है। तो अच्छा न्यू बाइक, सर्विस नहीं अभी तक एकदम, चेक न्यू बाइक है। ट्विन डिस्क, द रियर कैलिपर इज़ फ्रॉम द बाइब्री, आई कैन सी द लोगो ऑफ द बाइब्री एंड द बाइक इज स्मूथ। टायर इज़ फ्रॉम द MRS, तो अच्छे खासे टायर भी दिए हुए हैं बाइक में एंड द न्यू ग्राफिक्स। गाड़ी ओवरऑल एकदम स्पोर्टी पैकेज है पूरा 150 cc सेगमेंट में। कैमरे के सामने आके बात कर। सो गाइज, आप लोगों को ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैंने अभी इसको चलाया एंड द बाइक परफॉर्म्स रियली वेल। 150 cc है इसका कंपेटिटर, इसका जो कंपेटिटर है वो है जिक्सर, सुजुकी जिक्सर है। देन
होंडा हॉर्नेट है, बट आई सजेस्ट दिस पल्सर, मेरे को अच्छी लगी चलाने में, स्मूथ भी है और इसमें नाइट्रॉक्स जो सस्पेंशन है, नाइट्रॉक्स सस्पेंशन सब लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसका सीटिंग पोजीशन भी मेरे को बहुत सही लगा, एकदम स्पोर्टी पोजीशन है पूरा, स्पीड सीट दिया गया है इसमें और स्पोर्टी ग्रैब रेल्स है एंड जिसका हैंडल बार्स है, दिस इज़ नॉट अ ट्रूली क्लिप ऑन हैंडल बार, दिस इज जस्ट अ क्लिप ऑन हैंडल बार्स। तो ओवरऑल गाइस गाड़ी का लुक्स है एकदम सही है मेरे हिसाब से एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। इसका जो ऑन रोड कॉस्टिंग है मैं इधर डाल दूंगा मैं, दिस इज़ दी ऑन रोड कॉस्टिंग ऑफ कल्याण उल्लास नगर एंड थाने एरिया। सो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, आप जाइए शोरूम में, जाइए बाइक को टेस्ट राइड कीजिए और परचेज कर लीजिए। बाकी सब सही सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी या।